पर मूवी थिएटर 3-4 किलोमीटर दूर है, टाइम पे पहुंच पाएंगे? और रोड्स को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली और साइकिल फ्रेंडली बनाने की बहुत जरूरत है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का बजट 50% से कम कर दिया है। What? इस पोल्यूशन की पिक्चर का भी पर्दा गिराना पड़ेगा। ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम हाथ से निकल गया है। हाँ, जैसे हमारी लास्ट फिल्म का बजट। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आज मेरी फिल्म छूट गई है, कल को किसी की बस, ट्रेन या फ्लाइट भी छूट सकती है। I mean, actual problems तो extreme weather events, glacier retreat और rising sea level। वो सब बाद में। पहले पोल्यूशन से लड़ने के लिए हमें चाहिए मैन पावर, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्योंकि जब सिटीजन इन्फॉर्म्ड होंगे तो वो एंगेज करेंगे, और जब सिटीजन एक्टिवली एंगेज करेंगे तो डिसीजन मेकर्स को भी उनकी बात सुननी ही पड़ेगी, और इससे बेटर पॉलिसी डिसीजन बनेंगे जो हमारे सिटीज, टाउन और विलेजेस की हवा साफ करेंगे और उनको लिवेबल बनाएंगे। एक्सीलेंट। तो स्टार्ट कहाँ से करें? ऑब्वियसली अपने घरों और कॉलोनीज से वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी मम्मी गीला और सूखा कचरा अलग अलग करती है, बट फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि ये कचरा सही से डिस्पोज हो रहा है या कहीं ले जाके इसे जलाया जा रहा है। हाँ, एंड व्हाट अबाउट हमारा मेन प्रॉब्लम, रोड ट्रैफिक, क्योंकि इसके भी सीरियस लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारी कॉलोनी में तो सबका सपना होता है एक या दो गाड़ियाँ खरीदने का, तो ये प्रॉब्लम। आई नीड सॉल्यूशंस राइट नाउ, नॉट प्रॉब्लम्स। इससे पहले किसी और मूवी एंथुसियास्ट की मूवी में सो जाए। शांत गदाधारी भीम, शांत। शॉर्ट डिस्टेंसेस चलने से एंड साइकिल चलाने से हम एमिशंस रिड्यूस कर सकते हैं। जितना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे उतनी कम गाड़ियाँ होंगी सड़क पे, और अगर गाड़ी यूज करना ही है देन यूज क्लीनर फ्यूल। आई थिंक We need to take bigger steps. Solar panels. इतना बड़ा step? कौन लेगा? Central और state government दोनों ही rooftop solar power system के installation पे subsidy देते हैं। तो लोग ये लगवा क्यों नहीं रहे? उन्हें इस बारे में पता नहीं होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो ये तो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। ओए! अभी रिपोर्ट करती हूँ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का खुद का ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है। ओह नो, अब ये क्या है? तुम लोगों को क्या लगता है, तुम मेरी एक दो कंप्लेंट करोगे और मैं चला जाऊंगा? मैं कोई प्लास्टिक की थैली या पटाखों का धुआं नहीं हूँ, मैं हजारों साल से इकट्ठा किया हुआ प्रदूषण। तुम सब ह्यूमंस की कमजोरी ही मेरी ताकत है। अगर हम टाइम पे पोल्यूशन कम कर देते तो हमारे साथ ये नहीं होता। आई डोंट वांट टू बी दैट गाय, but I told you so. Oh my god. Ha 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 ha!